नमस्कार। खाने के बाद जब भी मीठे की फरमाइश होती है तो कस्टर्ड का नाम ही सबसे पहले आता है। बच्चों और बड़ों का ये फेवरेट पुडिंग असल में बनाने में भी बहुत आसान है, तो चलिए आज हरजीत की रसोई में बनाएं डिलीशियस कस्टर्ड और अपने खाने को और भी स्पेशल बना दें। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है, वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर लिया है 4 टीस्पून, 4 टीस्पून शुगर ली है और ये फ्रूट्स लिए हैं। सबसे पहले हम इसी मिल्क में से थोड़ा सा मिल्क ले लेंगे और कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध से ही मिक्स करना है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए। दूध को बॉईल होने रख देंगे। दूध अब बॉईल हो गया है, गैस को सिम कर देंगे। इसमें शुगर ऐड कर लेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब कस्टर्ड पाउडर के मिक्सचर को एक बार हिलाकर दूध में मिक्स करेंगे। इसको इस तरह से मिक्स करना है, एक हाथ से कस्टर्ड पाउडर को मिलाते जाना है, दूसरे हाथ से दूध को हिलाते रहना है, नहीं तो लम्स आ जाएंगे और कस्टर्ड खराब हो जाएगा। इसको मीडियम फ्लेम में 1 से 1.5 मिनट तक ही पकाना है। इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठंडा होने पर यह थिक और क्रीमी हो जाता है। इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी ठीक आ गई है। गैस बंद कर देंगे। रूम टेम्परेचर आने पर हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसको मैंने 1 घंटा फ्रिज में रख दिया था। यह थिक और क्रीमी हो गया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे, सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। कस्टर्ड में डालने के लिए मैंने पोमीग्रेनेट, मैंगो, एप्पल और ग्रेप्स लिए हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ग्रेप्स को मैंने बीच में से काट लिया है। अब इसको मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। एप्पल भी मिक्स कर देंगे, मैंगो भी मिक्स कर देंगे। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि कस्टर्ड में वाटरी फ्रूट नहीं मिलाने हैं, जैसे वाटरमेलन, उसमें बहुत पानी होता है, वो आपकी मेहनत पर ही पानी फेर देगा। अब कस्टर्ड पर हम पोमीग्रेनेट से गार्निशिंग कर लेंगे। कस्टर्ड को ठंडा ठंडा ही सर्व करें। यह बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश तैयार है। आप इसे ट्राई ज़रूर करें और अपने कमेंट्स मुझे लिखें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।